जी, लड़की अगर अच्छी कमाती हो तो क्या शादी के बाद वो शौहर को बताए बगैर अपने पेरेंट्स को सपोर्ट कर सकती है? और दूसरा आपने सवाल ये किया, क्या क्या वो शादी से पहले मंगेतर के साथ ये शर्त लगा सकती है, मैंने लफ्ज़ तौर से बदल दिए हैं, कि वो अपनी वालदैन को फाइनेंशियली सपोर्ट करेगी? सबसे पहली बात ये है कि बिल्कुल, लड़की अगर अपना कमाती है तो वो अपने पेरेंट्स को बिल्कुल सपोर्ट ना सिर्फ कर सकती है बल्कि उसको करना चाहिए। फौरन उसकी कमाई में उसके पेरेंट्स का हक आ जाता है। दूसरी बात ये है कि, और ये भी याद रखिएगा, हमारे दीन का असूल है हर बंदे का माल अपना, बीवी का भी शौहर का भी। शौहर ने भी आपको नान नफका देना, उसका माल आपका नहीं हो जाता। इसी तरह बीवी जो है उसका माल उसी का रहता है, बीवी के माल पे तो शौहर का बिल्कुल ही कोई हक नहीं होता। तो इसमें और शौहर को बताने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको सही सही बात बताऊं, वर्किंग वेमेन अच्छी हों, अगर अकलमंद हो ना, तो शौहरों को अपनी तनख्वाहें भी बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर जितना हम अपने मामलात को दूसरों के साथ कम्युनिकेट करते हैं ना, उतना दूसरे फिर दखल अंदाजी करते हैं। जितने हम अपने मामलात को अपनी हद तक रखें, उतना दूसरे जो है ना दूसरों को पता ही नहीं होता। ठीक है, तो एक तो ये बात होगी। दूसरी बात ये कि बिल्कुल इस शर्त को तय किया जा सकता है बाद की तलखियों से बचने के लिए, कि और ये शर्त ऐसी है कि अव्वल तो ये बिल्कुल जायज़ है और सही है, इसको तय किया बगैर भी ऐसे ही ठीक है, लेकिन सिर्फ ये है कि उनको मेंटली, यानी हमारे यहाँ जो होता है ना एक्सपेक्टेशंस होती हैं उनको क्लियर करने के लिए, अगर ये तय किया जाए तो बिल्कुल ये शर्त लगाई जा सकती है और ये सही भी है, और शौहर पाबंद है इस शर्त का। दूसरी बात यह है कि शौहर को इजाज़त देने की ज़रूरत नहीं है, ये माल आपका है, बस उसकी तलाक के लिए काफ़ी है, उसको मेंटली प्रिपेयर करने के लिए आपने शर्त लगा दी है, तो कोई हर्ज नहीं है।